स्टार टी न्यूज, हर खबर का असर। अब नहीं कार्यकर्ता और ग्राम राहुल, आज हम और लगा नहीं, बाईपास इतने वर्षों से लोगों ने नहीं बना पाया है। रेलवे का जो साइडिंग है जहां पर दस्त होता है, परेशान होते हैं लोग, उसको ये हटा नहीं सके। भाई लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हो, क्या काम करेंगे ये लोग? वो गरीब है, जंगल में रहते हैं, उनको पता नहीं है कि कैसे आधार से लिंक होगा, उनको पता नहीं है कि कैसे कहां से लिंक होगा, नेट भी काम नहीं करता है। और ये तो उसी दिन स्पष्ट हो गया था जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा की, तो यहीं से उन्होंने अपनी बातों को शुरू की थी। तो ये लोग पूरी तरह से विफल है। और कल की जो घटना है वो तो उनका एक प्रकार से कहिए स्वागत ही किया उन लोगों ने देखा है, बड़ा दुखद घटना था। अगर इतनी डबल इंजन की सरकार 5 वर्षों से चल रही है और तब ये हालत है, तो आप समझ सकते हो इससे राज्य कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। भैया मैं कह रहा हूँ ना, महागठबंधन का रोल लगा 2009 में, हम तो 11 सीट जीते थे, हम भी चाहते तो बीजेपी की सरकार बना सकते थे, ठीक है, लेकिन हम तो नहीं बनाए। फिर उस समय किसने शिव सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, किसने अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया, जरा याद करिए आप सब लोग। रघुवर दास को किसने डिप्टी सीएम बनाया, हेमंत सोरेन को किसने डिप्टी सीएम बनाया, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है।